सीखने के उद्देश्य। इस यूनिट में यूजर्स न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इन सब पहलुओं के बारे में सीखेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, टैबुलेटेड फंक्शन का उच्चतम एवं न्यूनतम मान। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजोइडल नियम। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन का नियम। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, किसी दिए गए एक पॉइंट पर दिए हुए फंक्शन के डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्ञात करने की प्रक्रिया न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाती है। सामान्य तौर पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तुलना में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अधिक मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए केवल अच्छे कंटिन्यूटी गुण स्वभाव की आवश्यकता होती है, जबकि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में लिपशिट्स क्लासेस जैसे अधिक जटिल गुण स्वभाव की आवश्यकता होती है। कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां डेरिवेटिव्स की गणना संख्यात्मक रूप से यानी न्यूमेरिकली करने की आवश्यकता होती है। फंक्शन एफएक्स के प्रथम डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेटेड मान एफ डैश एक्स है, जो कि बराबर है एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स बटा एच के, जब एच शून्य को अप्रोच करता है, जो कि पहली समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। एच को पॉजिटिव मानते हुए, चूंकि एफ डैश एक्स का अप्रोक्सीमेशन फंक्शन एफ का एक्स एवं एक्स प्लस एच के मान पर आधारित होता है, समीकरण एक में अप्रोक्सीमेशन को फॉरवर्ड डिफरेंसिंग या वन साइडेड डिफरेंसिंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एफ डैश एक्स का अप्रोक्सीमेशन फंक्शन एफ का एक्स माइनस एच एवं एक्स के मान पर आधारित होता है, मतलब कि एफ डैश एक्स, जो कि लगभग बराबर है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच बटा एच के, जब एच शून्य को अप्रोच करता है, जो कि दूसरे समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। समीकरण दो में अप्रोक्सीमेशन को बैकवर्ड डिफरेंसिंग कहते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से वन साइडेड फॉर्मूला भी है। वास्तव में लीनियर फंक्शन समीकरण एक एवं दो डेरिवेटिव्स के सही स्पष्टीकरण है, जबकि लगभग अन्य सभी फंक्शंस के लिए समीकरण एक एवं दो सटीक डेरिवेटिव्स नहीं दर्शाते हैं। सबसे आसान अप्रोच डेरिवेटिव की परिभाषा का इस्तेमाल केवल एच की छोटी से छोटी संख्यात्मक वैल्यू के लिए करता है, जबकि एच का मान एक से अत्यंत कम है। अब हम तीन कॉलम्स की टेबल पर नजर डालते हैं। पहला कॉलम एक्स नॉट के डेरिवेटिव्स का है, दूसरा कॉलम त्रुटि का और तीसरा कॉलम डिफरेंस के प्रकार का है। अब हम पंक्तिबद्ध टेबल को देखते हैं। पहली पंक्ति में डी वाई बटा डी एक्स बराबर है वाई एक माइनस वाई नॉट बटा एच के, त्रुटि एच ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार फॉरवर्ड है। दूसरी पंक्ति में डी वाई बटा डी एक्स बराबर है वाई नॉट माइनस वाई माइनस एक बटा एच के, त्रुटि एच ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार बैकवर्ड है। तीसरी पंक्ति में डी वाई बटा डी एक्स बराबर है वाई एक माइनस वाई माइनस एक बटा एच के, त्रुटि एच स्क्वायर ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार सेंट्रल है। अब हमारे पास एफ एक्स के दूसरे डेरिवेटिव्स का अप्रोक्सीमेशन है। पहली पंक्ति में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर है वाई दो माइनस दो वाई एक प्लस वाई नॉट बटा एच स्क्वायर के, यहां त्रुटि एच ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार फॉरवर्ड है। दूसरी पंक्ति में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर है वाई दो माइनस दो वाई माइनस एक प्लस वाई माइनस दो बटा एच स्क्वायर के, यहां त्रुटि एच ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार बैकवर्ड है। तीसरी पंक्ति में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर है वाई एक माइनस दो वाई नॉट प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर के, यहां त्रुटि एच स्क्वायर ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार सेंट्रल है। अंततः अब हमारे पास एफ एक्स के तीसरे डेरिवेटिव्स का अप्रोक्सीमेशन है। पहली पंक्ति में डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब बराबर है वाई तीन माइनस तीन वाई दो प्लस तीन वाई एक माइनस वाई नॉट बटा एच क्यूब के, यहां त्रुटि एच ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार फॉरवर्ड है। दूसरी पंक्ति में डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब बराबर है
y naught minus 3y minus 1 plus 3y minus 2 minus y minus 3 बटा h क्यूब के। यहाँ त्रुटि h ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार बैकवर्ड है। तीसरी पंक्ति में d क्यूब y बटा dx क्यूब बराबर है y 2 माइनस 2y 1 प्लस 2y माइनस 1 माइनस y माइनस h क्यूब के। यहाँ त्रुटि h स्क्वायर ऑर्डर की है तथा डिफरेंस का प्रकार सेंट्रल है। टेबुलेटेड फंक्शन का अधिकतम एवं न्यूनतम मान। किसी फंक्शन fx जो कि बराबर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 के का निम्नतम या उच्चतम मान ज्ञात करें। इसके उपरांत फंक्शंस की डोमेन एवं रेंज ज्ञात करें। स्टेप एक, निर्धारित करें कि फंक्शन का मान निम्नतम है या उच्चतम है। चूंकि यदि a का मान निगेटिव है और ग्राफ नीचे की ओर जाता है तो वह अधिकतम मान रखता है। स्टेप दो, x के शीर्ष मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग की परिभाषा से x का मान प्राप्त होता है माइनस b बटा 2a के। b के स्थान पर 2 एवं a के स्थान पर माइनस 3 रखने पर हमें x का मान माइनस 2 बटा 2 गुणा माइनस 3 जो कि बराबर है 1 बटा 3 के बराबर प्राप्त होगा। स्टेप 3, अब y का शीर्ष मान ज्ञात करें। इसके लिए x के स्थान पर माइनस b बटा 2a जिसका मान दिए गए फंक्शन में 1 बटा 3 है प्रतिस्थापित करें। अतः प्रतिस्थापन एवं सरलीकरण के उपरांत हमें f माइनस b बटा 2a अर्थात f 1 बटा 3 जो कि बराबर है माइनस 3 गुणा 1 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 बटा 3 माइनस 4 के जो कि माइनस 11 बटा 3 के बराबर प्राप्त होता है। अतः fx फंक्शन का अधिकतम मान माइनस 11 बटा 3 प्राप्त होता है। चूंकि दिया गया फंक्शन एक बहुपदीय फंक्शन है अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्याएं अर्थात गामा और रेंज भी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं जो कि माइनस 11 बटा 3 से कम या इसके बराबर प्राप्त होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल तकनीकों का उपयोग करते हुए इंटीग्रल फंक्शनों की एक अनुमानित गणना होती है। इंटीग्रल की न्यूमेरिकल गणना को कभी कभी क्वाड्रेचर कहा जाता है। प्रयुक्त शब्द क्वाड्रेचर से आशय है यूनिवेरिएट इंटीग्रल की न्यूमेरिकल गणना करना और क्यूबेचर से आशय है अनेकों इंटीग्रल की न्यूमेरिकल गणना करना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की सबसे सरल विधि में न्यूटन कोट्स फॉर्मूला जिसे क्वाड्रेचर फॉर्मूला भी कहा जाता है का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न डिग्री वाले पॉलिनोमियल से समान स्थानित अंतराल के अनुक्रम में सारणीबद्ध रूप में फंक्शन की गणना करता है। यदि अंत्य बिंदुओं को सारणीबद्ध किया जाए तो 2 और 3 बिंदु के फॉर्मूले को क्रमशः ट्रेपेजॉइडल नियम एवं सिम्पसन का नियम कहा जाता है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, हाफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हाफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, 5 बिंदु के फॉर्मूला को बूले का नियम कहा जाता है। रोमबर्ग इंटीग्रेशन ट्रेपेजॉइडल नियम का सामान्यकरण होता है जो बहुत कम फंक्शन के मूल्यांकन के लिए सटीक परिणाम निकाल सकता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यदि फंक्शन समान स्थानित अंतराल में सारणीबद्ध होने की बजाय विश्लेषणात्मक रूप से ज्ञात है तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की सर्वोत्तम विधि गाउसियन क्वाड्रेचर कहलाती है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन fx dx माइनस 1 से 1 तक लगभग बराबर होता है सिग्मा wix गुणा fxi के जहां i शून्य से n तक बदल रहा है। यह फॉर्मूला 2n माइनस 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए सटीक होता है। यहां टेबल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हेतु विभिन्न वेट यानी भार फंक्शन wix के लिए कुछ उपयोगी अंतराल दिखाए गए हैं। टेबल में 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में वेट या भार फंक्शन wx को, दूसरे कॉलम में इंटरवल यानी अंतराल एवं तीसरे कॉलम में पॉलिनोमियल को दर्शाया गया है।
हम इसे पंक्तिबद्ध पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में वेट फंक्शन एक के बराबर है, क्लोज इंटरवल माइनस एक, एक एवं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पीएनएक्स है। दूसरी पंक्ति में वेट फंक्शन ई की पावर माइनस टी के बराबर है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल शून्य से इन्फिनिटी एवं लेग्यूरे पॉलिनोमियल एनएक्स है। तीसरी पंक्ति में वेट फंक्शन ई की पावर माइनस टी का वर्ग के बराबर है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और हर्माइट पॉलिनोमियल एच एनएक्स है। चौथी पंक्ति में वेट फंक्शन वन माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस एक बटा दो के बराबर है, ओपन इंटरवल माइनस एक, एक और शेबिशेव प्रथम पॉलिनोमियल टी एनएक्स है। पांचवी पंक्ति में वेट फंक्शन वन माइनस टी स्क्वायर की पावर एक बटा दो, क्लोज इंटरवल माइनस एक, एक शेबिशेव द्वितीय पॉलिनोमियल यूएनएक्स है। छठी पंक्ति में वेट फंक्शन एक्स की पावर एक बटा दो के बराबर है, ओपन इंटरवल शून्य एक और पॉलिनोमियल एक्स की पावर माइनस एक बटा दो गुणा पी दो एन प्लस वन एक्स है। पांचवी पंक्ति में वेट फंक्शन एक्स की पावर माइनस एक बटा दो के बराबर है, ओपन इंटरवल शून्य एक और पॉलिनोमियल पी दो एन एक्स है। एब्सिसा जिस पर फंक्शंस का मान ज्ञात करना है उसके लिए गाउसियन क्वाड्रेचर अधिकतर संभावित अनुमान देता है। एन पर एब्सिसा प्रतिचित्रण एक ऐसा प्रतिचित्रण है जो कि पॉलिनोमियल को उसके अधिक से अधिक वास्तविक रूट्स प्रदान करता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यद्यपि आधुनिक कंप्यूटर्स की दी गई स्पीड पर गाउसियन क्वाड्रेचर फॉर्मलिज्म की अतिरिक्त जटिलताएं इसे साधारण ब्रूट फोर्स जो कि एक रेगुलर ग्रिड के कई बिंदुओं पर दो बार गणना करता है जो फंक्शन की पहले से अभिकलित की गई वैल्यू को फिर से काम में लेने की अनुमति देता है की अपेक्षाकृत कम वांछनीय बनाती हैं। इन्फॉर्मेशन थ्योरी पर आधारित मॉडर्न न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की विधियों को इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को सिम्युलेट करने के लिए विकसित किया गया है। क्योंकि इन स्थितियों में परंपरागत विधियां जो अप्रोक्सीमेशन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं इतनी सक्षम नहीं है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। सिंबॉलिक विधियों के काम में विफल होने से पहले इंटीग्रल अधिक जटिल नहीं लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्यू प्लस एक्स डी एक्स शून्य से एक तक पर विचार करते हैं। यहाँ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पर आधारित कोई भी सिम्बॉलिक विधियाँ ज्ञात नहीं है जो इस समस्या का हल ढूंढ कर ला सके। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। बजाय हम सैंपल को रेगुलर इंटीग्रलों पर उत्तम बना सकते हैं और इसी के आधार पर आंकलन कर सकते हैं। इसे करने का एक तरीका है कि फंक्शन को सरल रेखाखंड के अनुक्रम द्वारा चित्र में दिखाए गए अनुसार अनुमानित करें। प्रत्येक खंड एवं एक्स अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ट्रेपीजियम या समलंब होता है, अर्थात यदि अंतराल की चौड़ाई h है और अंतराल के प्रत्येक सिरे पर y का मान yi एवं yi प्लस 1 है तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल h बटा 2 गुणा yi प्लस 1 प्राप्त होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। वक्र एवं x अक्ष के मध्य का समस्त क्षेत्रफल जिसे इंटीग्रल माना गया है कई ट्रेपीजियम को जोड़कर अनुमानित किया जा सकता है। यदि ट्रेपीजियम की संख्या n है और y शून्य से yn तक y की कोटि n प्लस 1 है तो इंटीग्रल tn का अप्रोक्सीमेटेड मान h बटा 2 गुणा y नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2yn माइनस 2 प्लस 2yn माइनस 1 प्लस yn आदि के लगभग बराबर होता है। इसे ट्रेपीजियम नियम कहा जाता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। उदाहरण के लिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्यू प्लस एक्स डी एक्स शून्य से एक तक पर विचार करते हैं। पांच कोटि अंक चार अंतरालों का उपयोग करते हुए
अंतराल की चौड़ाई h 0.25 के बराबर प्राप्त होती है। अतः xi के विभिन्न मानों के लिए हमें yi के मान टेबल में दिए गए अनुसार प्राप्त होते हैं। उपरोक्त टेबल का उपयोग करके एवं ट्रेपीजियम नियम को प्रयुक्त करते हुए दिए गए फंक्शन का अनुमानित मान प्राप्त करते हैं t4, जो कि बराबर है h बटा 2 गुणा y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस y4 के, जो कि समीकरण 1 को निरूपित कर रहा है। h एवं yi के विभिन्न मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने तथा सरलीकरण द्वारा हम t4 का मान 0.6141 प्राप्त करते हैं। अतः दिए गए फंक्शन का अनुमानित मान 0.6141 निकलकर आता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। एक वैकल्पिक तरीका जो कि काफी सटीक, हालांकि हमेशा नहीं होता है, सरल रेखा की बजाय क्वाड्रेटिक पैराबोलिक खंड अनुक्रम के साथ वक्र को अप्रोक्सीमेट करने का है। इसे निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक पैराबोला पर 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक पैराबोला 2 अंतराल तक फैला हुआ होता है। इसलिए यदि अंतरालों की संख्या सम है और कोटि अंकों की संख्याएं विषम होती हैं, तो इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। अब क्वाड्रेटिक वक्र पर विचार करते हैं, जो -h, y0, 0, y1 एवं h, y2 बिंदुओं से गुजरता है। यह दर्शाना मुश्किल नहीं है कि इस समीकरण में y बराबर है y0 माइनस 2y1 प्लस y2 बटा 2 गुणा h2 गुणा x2 प्लस y2 माइनस y0 बटा 2 गुणा h गुणा x प्लस y1 के। यदि माइनस h एवं h के मध्य हम दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करें, तो हमें h बटा 3 गुणा y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्राप्त होगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। अतः यह दिया गया एक्सप्रेशन भी अपेक्षित क्षेत्रफल को निरूपित करेगा यदि हमने अंतराल के मध्य बिंदु को 0 के अलावा कहीं और स्थापित किया होता। हालांकि यह और भी मुश्किल हो जाता। अतः हमारे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन से हमें अनुमान प्राप्त होता है कि Sn बराबर होगा h बटा 3 गुणा y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस 2y4 प्लस आदि प्लस 4yn माइनस 3 प्लस 2yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn के, जहां n विषम होना चाहिए। इसे सिम्पसन का नियम कहते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल के नियम। सिम्पसन के दिए गए नियम का उपयोग करके डेफिनेट इंटीग्रेशन cos x³ प्लस xdx 0 से 1 तक का मान ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। 5 कोटि अंक 4 अंतरालों का उपयोग करते हुए अंतराल की चौड़ाई h बराबर 0.25 के बराबर प्राप्त होगी। अतः xi के विभिन्न मानों के लिए हमें yi के मान टेबल में दिए गए अनुसार प्राप्त होते हैं। उपरोक्त टेबल का उपयोग करके एवं ट्रेपीजियम नियम को प्रयुक्त करते हुए दिए गए फंक्शन का अनुमानित मान प्राप्त करते हैं s4 बराबर h बटा 3 गुणा y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस y4 के, जो कि समीकरण 2 को निरूपित कर रहा है। h तथा yi के विभिन्न मानों को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने एवं सरलीकरण द्वारा हम s4 का मान 0.6349 के बराबर प्राप्त करते हैं। अतः दिए गए फंक्शन का अनुमानित मान 0.6349 निकलकर आता है। निष्कर्ष। इस यूनिट में यूजर्स ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इन सब पहलुओं के बारे में सीखा है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, टेबुलेटेड फंक्शन का उच्चतम एवं न्यूनतम मान। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल नियम। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सिम्पसन का नियम।